नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। वायरल सच के न्यूज बुलेटिन में आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यूपी के प्रयागराज में दिखा गुरुग्राम का जलवा। गुरुग्राम के एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने यूपी प्रयागराज में जाकर गुरुग्राम का परचम लहरा दिया। खिलाड़ियों ने नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 8 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 मेडल गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुरुग्राम से 7 खिलाड़ी गए थे। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए गुरुग्राम बस डिपो 1 फरवरी से रोडवेज बस की सेवा शुरू करेगा। रोडवेज बस रोजाना सुबह 4 बजे गुरुग्राम बस अड्डा से रवाना होगी। गुरुग्राम से अयोध्या के लिए 990 रुपए किराया तय किया गया है। गुरुग्राम से अयोध्या के लिए यात्रियों की डिमांड पे हम एक बस का संचालन कल सुबह 4 बजे से शुरू करना चाह रहे हैं। सुबह कल 4 बजे अयोध्या जाएगी और वापसी में अयोध्या से परसों सुबह 5 बजे चलेगी। ये बस गुड़गांव, आगरा, लखनऊ और अयोध्या जाएगी। लखनऊ सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले गुरुग्राम निगम क्षेत्र के गांव में लगाए जा रहे तानाशाह हाउस टैक्स के विरोध में 2 फरवरी को गुरुग्राम के पंचायत घर से जिला उपायुक्त कार्यालय तक हजारों लोगों के जन समर्थन के साथ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा तथा निगम क्षेत्र के गांव में हाउस टैक्स को समाप्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल हरियाणा को फिर से ज्ञापन भेजा जाएगा। ये जो गाँव नगर निगम गुड़गांव और मानेसर के अंदर जितने भी जो गांव आए हैं, इनके अंदर जो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो सीवर का है और पानी का जो टैक्स जो सरकार ने जो लगा रखा है, उसके विरोध में हमने पिछले 19 तारीख को एक ज्ञापन दिया था और उसमें हमने सरकार से डिमांड करी थी भाई इसके अंदर जो भी ये लगाया हुआ है ये खत्म होना चाहिए। उसके बाद हम कमेटी उससे जाके मिली भी थी भाई क्या सरकार से कोई जवाब आया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इस वजह से फिर संगठन ने यह फैसला लिया कि गांव-गांव जाके पहले पंचायत करो, लोगों जन जागरण अभियान चलाओ, लोगों से मिलो और उन्हें इकट्ठे करो, एक कमेटियां बनानी शुरू करो और उसके बाद फिर सरकार को ज्ञापन देंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। तो अब हमारी 30 से 35 गांव के अंदर हमारी कमेटियां बन चुकी हैं, लगभग गांव तो 80 हैं। अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर दूसरा आगे जन जागरण अभियान तो चालू है, हर गाँव के अंदर जो कमेटी बन रही है लोगों में पंचायत भी करेंगे, फिर आगे उसको बढ़ाएंगे। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर विशेष कैंपों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सेक्टर 49 स्थित रोजवुड सिटी, सेक्टर 56 स्थित गेल अपार्टमेंट्स, विंड रिचर्ड सेक्टर 112 तथा शिवाजी नगर में कैंप आयोजित किए गए। इन कैंपों में मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करवाने सहित त्रुटियों संबंधी आपत्तियों भी दर्ज की गई। 1 फरवरी को समुदाय केंद्र सेक्टर 31, ऑफिस नंबर 241, सेक्टर 55 तथा बलदेव नगर में कैंप किए जाएंगे आयोजित। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों पर नकेल कसते हुए गुरुग्राम पुलिस ने चोरी करने के अलग अलग मामलों में हरीश शर्मा निवासी अशोक विहार गुरुग्राम, महेंद्र निवासी गांव सेंगर खेड़ा नू, अजीत निवासी नवाना नू, विपिन निवासी गांव नारायणपुर जिला दरभंगा बिहार व सुनील निवासी गांव मिनकोला पलवल को काबू करने में सफलता हासिल की है एवं 1 स्कूटी, 7 मोबाइल फोन व 1 बाइक बरामद की है। तो ये थे आज के ताजा समाचार। कल मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।